दोस्तों, वेबसाइट डिजाइनिंग के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं सीएसएस का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, सीएसएस क्लियर एंड फ्लॉट। आज के इस वीडियो में हम बेस टू बेस समझेंगे कि फ्लॉट जो पोर्शन है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों इतना ज्यादा कंसिडर किया जाता है जब आप इमेज अलाइनमेंट करते हैं। साथ ही इन सब के बीच में जो सीएसएस क्लियर वाला टर्म है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करोगे तो वहां पे आपको डिव को एडजस्ट करने के टाइम क्लियर का यूज पता होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये दोनों ही टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे बिल्कुल हम स्टार्टिंग से चीजें करने वाले हैं। पहले हम कुछ पोर्शंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये भी देखेंगे कि उन्हें आप अप्लाई कैसे करते हो। अब इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिव ले लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि डिव एक कंटेनर है, तो हम यहाँ पे लेते हैं डिव और यहाँ पे इस डिव को हमने नाम दे दिया कंटेनर वन। कुछ भी नाम दे सकते हो आप डिव को, या फिर जो भी इसमें मैटर हमें लिखना है वो चीज हमने यहाँ पे दे दिया। कंट्रोल डी करेंगे, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। हम यहाँ पे आते हैं और मैंने यहाँ पे डाला कंटेनर टू, ठीक है, ताकि हम इसे आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ पे आए, रिलोड किया, तो अभी ये बिल्कुल सिंपल आ रहा है, कंटेनर वन कंटेनर टू। लेकिन अभी इसका कोई भी डायमेंशन या इसमें कोई भी इफेक्ट, कलर, कोई चीज हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे। तो आपको पता है कि अगर इसमें मुझे कोई भी एडिटिंग अप्लाई करनी है तो सबसे पहले तो मुझे इसको एक यूनिक आईडी देनी पड़ेगी, जो आप क्लास या आईडी से देते हो। तो क्लास करके मैंने यहाँ पे दे दिया ए और यहाँ पे आए और मैंने कर दिया क्लास इक्वल बी, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर आप नोटिस करोगे कि मैंने यहाँ पे एक फाइल इंसर्ट की हुई है, जो कि है abd.css। जितना भी हमारा css का पोर्शन है वो हम इसी में करने वाले हैं, ताकि यहाँ पे ज्यादा कंजेस्टेड फील ना हो और हमें समझने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे आते हैं abd.css में। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉट ए, जो कि डिव वन है। यहाँ पे आते हैं और मैंने क्या, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येल्लो, इसका बैकग्राउंड कलर हमने क्या येल्लो, इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, पेस्ट कर देंगे दूसरे कंटेनर के लिए। और इसका बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और अभी अगर मैं रिलोड करूंगा तो इसमें कोई भी चीज अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो CSS वाली फाइल है और जो ये HTML वाली फाइल है, इन्हें हमने आपस में इंटरलिंक नहीं किया। तो इंटरलिंक कैसे करते हैं, हेड सेक्शन के बीच में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिंक, रिलेशन क्या है दोनों का, रिलेशन है स्टाइल शीट, और इसके बाद रेफरेंस हम दे देंगे हाइपरलिंक रेफरेंस, तो वो है abd.css जो फाइल का नाम है। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे, रिलोड करेंगे, आप देखेंगे इस पे कलर अप्लाई हो गया है। फिर हम यहीं पे आते हैं और यहाँ पे मैंने डॉट ए लिखा हुआ है, इसको डॉट बी कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आके रिलोड कर देते हैं। तो आप देखोगे इस पे येलो कलर अप्लाई हो गया है और इस पे ग्रीन कलर अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ऊपर में थोड़ा सा गैप आ रहा है। ये जो गैप है ये बॉडी का गैप होता है, मतलब जो आपका मेन ये पूरा पोर्शन है वो बॉडी है। तो इस गैप को कैसे हटाते हैं, ऊपर आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी और यहाँ पे हमने लिखा मार्जिन जीरो और हमने कर दिया पैडिंग जीरो, ठीक है। जैसे मैं ये करूंगा आप देखो कि जो ये एक्स्ट्रा गैप आ रहा है ये यहाँ से हट जाएगा और प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा हमारे कंटेनर्स को। अब जो सबसे पहला प्रैक्टिकल है वो है फ्लॉट लेफ्ट और फ्लॉट राइट का। इसे समझाने के लिए जो हमारे कंटेनर वन है इसके अंदर हमें थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे भरना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेता हूँ, जहां से मुझे शॉर्टकट में फटाफट एक टेक्स्ट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल आर ए एन डी ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद एंटर, तो मुझे शॉर्टकट में पैराग्राफ मिल गया। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आए और पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे जो हमारा कंटेनर वन है इसके अंदर काफी ज्यादा टेक्स्ट आ गया, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो, ये रहा। कंट्रोल एस करते हैं, रिलोड करते हैं और देखते हैं, तो ये आ गया टेक्स्ट कुछ इस तरीके से। अब ये टेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से हम चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डॉट ए में टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। इसे करने से क्या होगा, ये जो आप देख पा रहे हो आगे पीछे आ रहा है ये सही से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे आके इसको रिलोड कर देते हैं, ये प्रॉपर आ गया। अब आते हैं मेन टर्म पे, जो कि है फ्लॉट लेफ्ट और फ्लॉट राइट। देखो अभी अगर मैं इसमें कोई भी इमेज इंसर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और मैंने डेस्कटॉप पे एक इमेज रखी है जिसका सोर्स है यहाँ पे logo.png, ये एक इमेज है, ठीक है, और मैं इसे बंद करता हूँ और मैं कंट्रोल एस करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, रिलोड करूंगा, तो आप देखोगे इमेज बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ये पूरा इमेज ही ऐसा आ गया। हम क्या करते हैं, इसकी हाइट और विड्थ को कम कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हाइट इक्वल 100 pixels और विड्थ इक्वल कर दिया मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल,
कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए रिलोड किया, तो ये देखो इस तरीके से आ रहा है। अब आप मुझे एक पॉइंट बताओ, आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई वेबसाइट है, जैसे इसको मैं पूरा खोल लेता हूँ, तो अभी देखो ये इतना ज्यादा जो इमेज के साइड में जो गैप है, ये देख रहे हो, ये जो पूरा गैप है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, वेस्ट गैप आ रहा है। और ज्यादातर अगर मैं बोलूं इमेज मेरे को एडजस्ट करना है, तो होता क्या है कि इमेज आ गई साइड में और इसके साइड में पूरा मैटर आ जाए, मतलब लेफ्ट में मुझे इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। बट ये क्या हो रहा है कि ये जितनी दूर पे ये इमेज आ रही है उतना गैप इसने पूरा विड्थ में कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे आ रहा है। तो ये हमारे वेबसाइट का इंटरफेस क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और ये जो इमेज है मेरी इस पे मुझे एडिटिंग अप्लाई करनी है। अब तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको कोई आईडी दे देता हूँ। तो मैंने इसको आईडी दे दिया माय इमेज, ये मैंने आईडी दे दिया इसको। फिर यहाँ पे आते हैं सीएसएस वाली फाइल में और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आईडी को हम किससे डिनोट करते हैं, हैश से। हमने लिखा यहाँ पे हैश और हमने लिखा माय इमेज, करली ब्रैकेट ऑन करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इस पर अप्लाई कर देता हूँ फ्लॉट लेफ्ट, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए रिलोड कर दिया। अब देखो क्या हुआ, वो जो इमेज थी वो लेफ्ट में क्या हुई, एडजस्ट हो गई, और जो भी हमारा टेक्स्ट है वो कहाँ आ रहा है, बिल्कुल साइड में प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अगर आपको लग रहा है साइड से मुझे थोड़ा बहुत गैप देना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओगे कंटेनर में ही और आप इसमें कर दो पैडिंग 10px या 5px कर दो, 5px इनफ है। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए और इसको कर दिया रिलोड। तो अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा गैप मिल गया और आप देखोगे कि आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो गई है। सो आई होप कि फ्लॉट लेफ्ट कैसे वर्क कर रहा है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और एक्चुअल में प्रैक्टिकल यूज क्या है इसका इमेज एडजस्टिंग में वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने एक इमेज यहाँ पे लगाई है, मैं चाह रहा हूँ एक इमेज हम इधर भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा अपनी HTML फाइल में और एक और इमेज है जो कि ऑन स्क्रीन में आपको शो कर देता हूँ, ये रहा कंप्यूटर। तो मैं इस इमेज को भी यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको साइड में रखा और यहाँ पे कंट्रोल डी करूंगा तो डुप्लीकेट बन जाएगा, वही पूरी फाइल जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगी। हम यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, बस वहां पे मैंने नाम रखा है उसका कंप्यूटर। हाइट और विड्थ हम उतनी रहने देंगे इसकी, और आईडी मैं इसकी चेंज कर देता हूँ, माई इमेज वन कर दिया मैंने, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए रिलोड कर दिया। अब देखो जैसे ही मैंने इस इमेज को लिया, एडजस्टमेंट क्या कर दिया इसने, फिर से पूरा गड़बड़ कर दिया। मैं चाह रहा हूँ इसको राइट में रखना, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, बहुत ही सिंपल टर्म है, सिंपल इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और माई इमेज वन, उसकी आईडी रखी हमने नई वाली इमेज की, माई इमेज वन, और इसको कर देंगे फ्लॉट राइट, उसको हमने क्या लेफ्ट, इसको कर देंगे फ्लॉट राइट। यहाँ पे आएंगे रिलोड करेंगे, जैसे ही मैंने रिलोड किया आप देखोगे कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वो इमेज राइट हैंड साइड में आ गई है। सो आई होप कि ये टर्म अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फ्लॉट लेफ्ट और फ्लॉट राइट का जो मेनली यूज होता है वो इमेज एडजस्टिंग में होता है, कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों आते हैं दूसरे टर्म पे, मतलब अगर मैं फ्लॉट लेफ्ट राइट की बात करूं तो उसका दूसरा यूज हमें कहाँ देखने को मिल जाता है, वो चीज को समझ लेते हैं। वो यूज भी डिव के साथ ही है, बट यहाँ हम इमेज एडजस्टिंग के साथ नहीं समझ रहे इसको, हम इसे समझेंगे डिव के साथ ही। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने टोटल चार डिव लिए, डिव क्लास ए रख दिया, क्लास बी सी डी, ताकि मैं चारों को अलग अलग एडिट कर सकूं। कंटेनर वन रख दिया, पहले वाले का नाम, दूसरे का टू, तीसरे का थ्री, चौथे का फोर, और जो हमारी सीएसएस फाइल है वो भी अब हमने पूरी खाली कर रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ डॉट ए पहले वाले कंटेनर के लिए, और हमने बोला कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो येलो, और यहीं पे कंट्रोल डी कर लेते हैं, ये आ गया सबके लिए। इसको हमने कर दिया बी, इसको हमने कर दिया सी, और इसको हमने कर दिया डी। कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं, हमने कर दिया इसका कलर ग्रीन, इसका कलर हमने कर दिया पिंक, और इसका जो कलर है वो हमने कर दिया स्काई ब्लू। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए रिलोड कर दिया। तो यहाँ पे इतना काम होने के बाद अब आपको थोड़ी से पॉइंट को यहाँ पे समझना है। देखो अगर मैं बात करूँ कंटेनर वन, कंटेनर टू, कंटेनर थ्री, कंटेनर फोर, तो ये जितने भी डिव है इन्होंने पूरा का पूरा जो विड्थ है वो कैप्चर किया है। मतलब देखो कंटेनर वन की मैं बात करूँ तो इसको जरूरत है बस इतने स्पेस की, इतने स्पेस की जरूरत है, लेकिन अगर आप स्क्रीन के बिहाव पे देखो तो इसने पूरा का पूरा विड्थ कैप्चर किया हुआ है। देख रहे हो आप, पूरा का पूरा विड्थ क्या है, कैप्चर किया हुआ है। सेम कंटेनर टू ने भी ऐसा किया है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई जितने स्पेस की इसको जरूरत है सिर्फ ये उतना स्पेस ले, बाकी का स्पेस कैप्चर ना करे।
कहने का मतलब क्या है कि हम ये चाह रहे हैं कि एक ही लेन में पूरे के पूरे जो डिव है वो सबके सब एडजस्ट हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ नोटपैड में और यहाँ पे हम लिखेंगे एक टर्म जो कि है डिव। सारे डिव को हम एक ही बार एडिट कर रहे हैं, तो हमने सिंपली यहाँ पे लिखा डिव। और ये डिव लिखने के बाद मैं यहाँ पे बस एक टर्म लिखूंगा जो कि है फ्लॉट लेफ्ट। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए, रिलोड कर दिया। तो अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि चारों के जो चारों कंटेनर है वो लेफ्ट में फ्लोट हो गए। फ्लोट होने का मतलब जितने स्पेस की जरूरत इसको थी इतने में ये लेफ्ट में फ्लोट हो गया। फिर कंटेनर टू भी उतने में ही फ्लोट हो गया, कंटेनर थ्री भी और कंटेनर फोर भी। आया पॉइंट समझ में? इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये हो गया। अब अगर मैं किसी में मैटर बढ़ा देता हूं, जैसे कंटेनर वन इज ग्रेटर, सपोज ये लिखा मैंने, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आया, रिलोड कर दिया, तो अब इसका स्पेस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसमें मैटर भी बढ़ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फ्लॉट लेफ्ट करने से क्या हुआ, अगर आपने तीन चार कंटेनर ले रखा है और उसमें बस आपको कुछ कुछ पॉइंट दिखाना है, तो आप उनको एक ही लाइन में फ्लॉट लेफ्ट की मदद से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा आप एक और टर्म की बात करते हैं। अब जैसे मान लो चार डिव है, मैंने पांच छह डिव है जिनको एक ही बार में लेफ्ट कर दिया, तो सबके सब इसी तरीके से ऊपर आ गए। पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि कंटेनर थ्री तक तो ठीक है, लेकिन कंटेनर फोर मुझे नीचे चाहिए। मतलब मैं चाह रहा हूँ उस पर अलग एक्शन अप्लाई हो, वो नीचे से काम करे। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम यहाँ पे आए और मैंने बोला कि भाई जो आपने कंटेनर फोर जो कि हमारा डॉट डी है इस पे जो आपने फ्लॉट लेफ्ट अप्लाई किया हुआ है इसको आप क्लियर कर दो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने बोल दिया कि भाई इसको कर दो क्लियर लेफ्ट। ठीक है, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए, रिलोड कर दिया। जैसे मैं क्लियर लेफ्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि फ्लॉट जो चारों कंटेनर पे अप्लाई हो रखा था, सारे के सारे डिप पे अप्लाई हो रखा था, वो अब चौथे वाले कंटेनर से हट गया है। पॉइंट आया समझ में? तो एक तो बेसिक यूज ये है क्लियर करने का कि अगर आपने एक ही बार में मल्टीपल डिप्स पे फ्लॉट अप्लाई कर दिया है, लेफ्ट राइट जो भी है, और आप किसी इंडिविजुअल से फ्लॉट हटाना चाह रहे हो, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये है पहला यूज। दूसरा जो सबसे ज्यादा यूज होता है उस टर्म को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं एमएस वर्ड में आ जाता हूँ और मैं यहाँ से कुछ मैटर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने मैटर कॉपी किया और मैं ये पहले वाले कंटेनर में ये मैटर डाल देता हूँ इस तरीके से। इसको हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा पहला कंटेनर। जो दूसरा कंटेनर है इसमें मैं थोड़ा कम ले लेता हूँ डेटा, ये ले लिया हमने ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें इसे। तो ये रहा कंटेनर टू, इसके अंदर हमने ये वाला पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आया, रिलोड कर दिया। अब देखो कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है, ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। और मैं यहाँ पे फ्लॉट लेफ्ट हटा रहा हूँ इसमें से और यहाँ क्लियर लेफ्ट भी हटा रहा हूँ, किसी पे कुछ अभी हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आए, रिलोड कर दिया। इसको मैं बढ़ा कर लेता हूँ, ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। ये रहा सिंपल। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट को समझना ध्यान से। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले कंटेनर की जिसने पूरा का पूरा स्पेस लिया है क्योंकि उसमें मैटर भी भरा हुआ है, राइट? तो ये हमारा डॉट है जो कि पहला कंटेनर है जैसे कि आपको पता है। तो हम इसी में कुछ पोर्शन अप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पे बोला जो इसकी विड्थ है वो कर दो आप 50%। कितनी विड्थ करनी है? 50%। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए, रिलोड कर दिया। तो अब देखो इसने 50% का ये स्पेस लिया है और इसके जो साइड वाला स्पेस है वो पूरा का पूरा खाली है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जो ग्रीन वाला मतलब जो हमारा दूसरा कंटेनर है इसको मैं साइड में फ्लोट कर देता हूँ। मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये साइड में फ्लोट हो जाए। तो पहले तो मैं इसका विड्थ कम कर देता हूँ, यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पे इसका विड्थ जो है वो कम कर दिया, विड्थ 40% किया मैंने। ठीक है, उससे कम। यहाँ पे आए, रिलोड किया, तो अब देखो ये 40% हो गया, ये 50% है, 50% अभी इसमें और बचा है, मैंने 40% किया, ये आ गया, बट ये ऊपर नहीं गया। तो ऊपर भेजने के लिए क्या करेंगे हम इसे? हमने सिंपल यहाँ पे बोला कि इसको कर दो फ्लॉट राइट। तो जैसे मैं फ्लॉट राइट करता हूँ तो ये देखो राइट में फ्लॉट हो गया। लेकिन अभी भी आप यहाँ पे नोटिस करो कि मैंने यार इसको फ्लॉट राइट किया लेकिन ये ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ऊपर तभी जाएगा जब ये वाला जो पोर्शन है ये फ्लॉट लेफ्ट होगा। मतलब अगर इसने लेफ्ट में फ्लॉट हो चुका है तभी हम दूसरे एलिमेंट को राइट में फ्लॉट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें आए और जो हमारा डॉट ए कंटेनर है जो पहला कंटेनर है उसको मैंने किया फ्लॉट लेफ्ट। जैसे मैं फ्लॉट लेफ्ट करूंगा और रिलोड करूंगा आप देखोगे ये ऊपर पहुंच गया क्योंकि ये लेफ्ट हो गया। तो इसने पूरा जो साइड का स्पेस है वो खाली छोड़ दिया। आया पॉइंट समझ में? अगर मैं इसको भी 50% कर दूं, यहाँ पे आओ, मैंने कर दिया 50% और रिलोड किया, तो ये देखो आधा हिस्सा 50% इसने ले लिया, आधा इसने ले लिया। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है कि जो हमारा कंटेनर थ्री है कंटेनर फोर है
वो भी वहीं पे चला गया, मैं चाह रहा हूं कंटेनर थ्री नीचे आए। तो यहां पे देखो मुझे लेफ्ट से भी क्लियर करना है इस पे फ्लोट और राइट से भी क्लियर करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम आएंगे इसमें डॉट सी में जो कि हमारा कंटेनर थ्री है, और यहां पे हम बोलेंगे कि भाई उसका लेफ्ट और राइट फ्लोट दोनों ही क्लियर कर दो इस पे से। तो हम यहां पे करेंगे क्लियर बोथ, कंट्रोल एस किया, यहां पे आए और रिलोड कर दिया। तो पॉइंट आया समझ में कि अगर कंटेनर्स के यहाँ पे भी हम फ्लोट लेफ्ट और राइट कर रहे हैं और इस तरीके की कंडीशन है तो मुझे जाहिर सी बात है इस पे क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों साइड से क्लियर होके नीचे से एक्टिविटी अप्लाई करेगा। सो फ्लोट लेफ्ट और राइट का यूज हमने देखा इमेज एडजस्टमेंट में, और दूसरा हमने कंटेनर्स यानी डिव के साथ भी इसका एक यूज देख लिया। क्लियर की भी बात करें तो अगर आपने मल्टीपल कंटेनर्स ले रखा है, उनपे फ्लोटिंग अप्लाई की है और आपको क्लियर करना है, तो आप इस तरीके से क्लियर अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों जो वीडियो है वो आपको क्लियर हुआ हो और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।